डॉपलर इफेक्ट दिखाने के लिए। अरे बेटा आ गया सारी अंदर साइड पे। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? बेसिकली व्हेन somebody is speaking and the other is listening, they are stationary. तो जो हम बोलते हैं वो पूरी फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है, ओके? बट इफ somebody इज मूविंग तो उसकी फ्रीक्वेंसी में apparent चेंज आता है, ठीक है? सो हमें वेरिएशन नजर आता है फ्रीक्वेंसी, ओके? एंड दैट इज बिकॉज ऑफ या तो सोर्स मूव कर रहा हो या लिसनर मूव कर रहा हो, तो अप्रोच करे या डिप्रोच करे, ओके? तो जैसे स्टार से लाइट आ रही है, स्टार यदि अपनी तरफ आता है, ठीक है, तो उसको हम ब्लू शिफ्ट किया है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और स्टार अपने से दूर जाता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, उसको हम रेड शिफ्ट बोलते हैं, ओके? तो दैट इज ऑल्सो डॉपलर इफेक्ट, दैट इज ऑप्टिकल डॉपलर इफेक्ट, बट यहां हम साउंड वाला डॉपलर इफेक्ट कहेंगे, बिकॉज ये भी वेव्स होती है। तो इफ आई हैव अ सोर्स ऑफ साउंड, तो यहां इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट है 3.7 किलोहर्ट्ज, और ये स्टेशनरी है तो अपने को सेम सुनाई दे रही है। तो यदि इसको हम मोशन दें, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है घटती है, बढ़ती है घटती है। इसका मतलब हम यदि इसकी तरफ न भी देखें तो पता लग सकता है कि हमारे पास आ रहा है क्या। स्पेक्ट्रम पे भी जो ऐप है उसमें भी एक वेरिएशन दिखती है, एक बहुत कम है, 2-3 हर्ट्ज में चेंज होता है, तो दिखती ही है, अगर कोशिश की होती है चेंज होती है। हाँ, यदि गुड स्पेक्ट्रोमीटर हो देन वी कैन मेजर। जब ये बीच तो अपने को सुनाई दे रही है, नंबर ऑफ बीच तो हाँ बीच आ गई, रफली 1 हर्ट्ज की बात है। फिर 200 300 3.7 है, तो 3.701 हो